हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। आज न्यू ईयर के न्यू एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे स्टार्स का फ्यूचर, बताएंगे उनके लिए कैसा रहेगा 2013। लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। 2013 में कौन से स्टार्स और कौन सी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर करेंगी धमाका। ईयर एंड स्पेशल, कौन कौन हॉट फेसेस 2012 में रहे सबसे हॉट, और इसके साथ साथ आपको दिखाएंगे स्नैपशॉट्स ऑफ 2012। टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ Zoom, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, गॉड ब्लेस यू एंड बी हैप्पी एंड हेल्दी ऑलवेज। टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ Zoom TV, विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएं आप सबको। वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड अ मैरी क्रिसमस टू ऑल द Zoom व्यूअर्स। आई जस्ट लाइक टू विश ऑल द व्यूअर्स अ वेरी वेरी मैरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। हाय, दिस इज अंकिता शौरी। आई विश एवरीवन अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड अ मैरी क्रिसमस। Hi, this is Ayushman Khurana to all the viewers of Zoom. A very happy new year. Cheers. Hey, is wishing the viewers of Zoom a very, very happy new year. Hi, this is Arjun Kapoor and wishing all the viewers of Zoom TV a very happy new year. A happy new year and Merry Christmas to everyone, and hope you all have a very positive and good year, and hope we can move as a better society ahead. Wishing all the viewers a very, very happy new year. Hi, main hu Rakesh Sawant, aur aap sabko, I mean Zoom ke viewers ko, meri taraf se happy new year. Enjoy. आज के बुलेटिन की शुरुआत 2013 की प्रेडिक्शन के साथ। 2013 में बॉलीवुड के कौन कौन से स्टार्स बॉक्स ऑफिस पर करेंगे धमाका, कौन सी फिल्म्स रहेंगी सुपर डुपर हिट, ये सब रिवील करने जा रही है हमारी टॉप स्टोरी। बॉलीवुड के लिए कैसा रहेगा ईयर 2013? क्या बॉलीवुड फिल्म्स बनाएंगी कमाई के नए रिकॉर्ड्स, या फिल्म्स का 2013 में होगा डब्बा गुल? कौन सा खान करेगा बॉलीवुड पर राज, या कुमार और देवगन होंगे बॉलीवुड के नए सरताज? इन सारे कॉम्प्लिकेटेड सवालों का जवाब हमने जानने की कोशिश की फेमस न्यूरोलॉजिस्ट संजय जुमानी से। सबसे पहले 2013 से गुड न्यूज ये है कि 6 नंबर पे ऐड होता है 2013, और 6 नंबर है वीनस या शुक्र, द प्लैनेट ऑफ एंटरटेनमेंट। इनफैक्ट वर्ल्ड की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर्स नंबर 6 पे ऐड होती है, या ब्लॉकबस्टर देने वाली कंपनीज वार्नर ब्रदर्स या कोलंबिया पिक्चर्स, वॉल्ट डिज्नी, दे ऐड अप टू नंबर 6। शाहरुख खान एड्स अप टू 42 और नंबर 6। तो 2013 एक सुनहरा साल रहेगा बॉलीवुड के लिए, क्योंकि इट्स द ईयर ऑफ वीनस एंड वीनस इज एंटरटेनमेंट एंड हीरोइंस विल रॉक। एंड आई एक्सपेक्ट this year to belong to females, because like they say, women are from Venus. Well, तो हमारे न्यूमोलॉजिस्ट की माने तो ये साल बॉलीवुड के लिए रहेगा काफी अच्छा। अब आइए इनसे जानते हैं, क्या बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान इस साल अपनी बादशाहत कायम रख पाएंगे या नहीं। शाहरुख खान नंबर 2 के गवर्न्ड है, मून गवर्न्स हिम एंड अ लॉट ऑफ बॉलीवुड सुपरस्टार। राजेश खन्ना जी पहले सुपरस्टार नंबर 2 के थे, टू बी टेकन ओवर बाय अमिताभ बच्चन नंबर 2 11th अक्टूबर। शाहरुख केम नेक्स्ट 2nd ऑफ नवंबर, और 47th ईयर था उनका लास्ट ईयर 4+7=11, जब मैंने प्रेडिक्ट किया था कि कम बैक करेंगे और IPL भी जीत गए थे उस साल। एंड आफ्टर रावण ही मेड अ कम बैक विद डॉन 2 इन इज 47th ईयर, और जब तक है जहाँ 47th ईयर में हुई। 48th ईयर में एंटर किया है उन्होंने, 4+8=3, जुपिटर या गुरु, द प्लैनेट ऑफ वेल्थ। चेन्नई एक्सप्रेस एड्स अप टू नंबर 2 विच वर्क फॉर हिम इन इज 47th ईयर, एंड आई एक्सपेक्ट इट टू डू एटलीस्ट मे बी 100 crore, it shall do reasonably well. Well, अगर शाहरुख के लिए ये साल है परफेक्ट, तो क्या दबंग सलमान उनसे रह जाएंगे पीछे? सलमान खान इज गवर्न्ड बाय नंबर 9 मार्स मंगल, विच मेक्स अ पर्सन वेरी फायरी एंड ब्लंट, एंड 45th ईयर वाज द ईयर व्हेन दबंग से उनकी सेकंड इनिंग शुरू हुई। दबंग में एक एक्स्ट्रा जी आप लोग ने देखा, वॉज अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी 3, 6 and 9 वर्क फॉर नंबर 9, और वो अपने 48th ईयर में एंटर कर रहे हैं। 48 का टोटल 3 आता है, 2013 का टोटल 6 आता है। 6 से याद आया मुझे 15 तारीख को एक था टाइगर रिलीज हुई थी, डेट एडिंग टू 6, उनकी पहली ब्लॉकबस्टर मैंने प्यार किया एडेड अप टू नंबर 6, इट वाज इन हिज 24th ईयर विच इज अगेन 6। तो 6 वर्क्स फॉर हिम, 2013 विल बी द ईयर ऑफ सलमान खान। Well, सलमान और शाहरुख खान में तो कड़ी कंपटीशन नजर आ रही है, और अब हमने दो टॉप खान के बारे में जान ही लिया है, तो अब मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर के लिए कैसा रहेगा 2013 ये भी हम जान ही लेते हैं। यश चोपड़ा जी, यश राज फिल्म्स हैव बीन फॉलोइंग न्यूमरोलॉजी, एंड धूम 3 एड्स अप टू नंबर 30, और नंबर 3 आदित्य चोपड़ा नंबर 3 के हैं, इज बॉर्न ऑन 21st, एंड आई एम श्योर ये फिल्म को रिलीज करेंगे वो ऑन अ डे एडिंग टू 3, 6 and 9, like most of their films do, and of course it will be a hit, a blockbuster.
वेल, हमारे न्यूमरोलॉजिस्ट इन तीनों खान के लिए ये साल काफी अच्छा बता रहे हैं, लेकिन इन तीनों में से कौन करेगा 2013 को रूल, आइए ये भी जान लेते हैं। तीन खान में बहुत सारी बातें कॉमन है, एक तो उनका सरनेम खान, एक उनकी सक्सेस स्टोरी, सुपरस्टार्स हैं तीनों, और कम लोग जानते हैं कि तीनों की ईयर ऑफ बर्थ भी सेम है, 1965 जोड़ने से आता है नंबर 21 और 3 जो है जुपिटर, सबसे बड़ा प्लैनेट, प्लैनेट ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी कहते हैं। 786 को जोड़ने से भी 21 नंबर आता है, तो अलमिया भी इनके साथ में है, तीनों खान के साथ में। एज फार एज ऑल थ्री खानज आर कंसर्न, आई थिंक सलमान इज गोइंग टू टावर अबव देम एंड ही हैज़ टू बीट ओनली हिमसेल्फ। 48th ईयर में 4+8=3 जुपिटर, द प्लैनेट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, 2013 6 नंबर है, वन ऑफ हिज बेस्ट नंबर्स। I think he is going to tower over the rest. वैसे खान्स को टक्कर देने में कपूर खानदान के चिराग रणबीर कपूर पीछे नहीं है। साल 2012 रणबीर के लिए रहा द बेस्ट, तो क्या 2013 भी उनके लिए होगा कुछ खास? रणबीर कपूर इज अ लिब्रिन लिब्रा रूलर, वीनस है, शुक्र द प्लैनेट ऑफ एंटरटेनमेंट, 2013 नंबर 6 है। और आप देखिए, कोई भी जोडियक साइन में इतने सारे स्टार्स नहीं है जो लिब्रेंस में है, एंड ही इज बॉर्न विद सम वेरी गुड नंबर्स। अपने 31st ईयर में है वो, 3+1=4, ही इज अ नंबर 1, 1 and 4 आर फ्रॉम वन फैमिली ऑफ नंबर्स, 2013 शैल बिलोंग टू हिम एज वेल, एंड आई एक्सपेक्ट बेशरम टू डू वेल, इट एड्स अप टू अ रेडीमेड नंबर, शायद इसीलिए पहली बेशरम भी हिट हो गई थी। वेल, अब एक्टर्स के बाद जान लेते हैं बॉलीवुड की टॉप 3 एक्ट्रेसेस के लिए कैसा रहने वाला है ये साल। सबसे पहले जानते हैं क्या रॉकस्टार प्रियंका रूल करेंगी या 2013। प्रियंका इज अ नंबर 9 एंड 3, 6 and 9 वर्क फॉर हर, इनफैक्ट नंबर 9 की हैं डबली, क्योंकि पहला नंबर भी 9 है, टोटल भी 9 है, और 18th ईयर यानी कि नंबर 9 का साल था जब मिस वर्ल्ड बने, 27th ईयर नंबर 9 का साल था जब फैशन और दोस्ताना दिया उन्होंने, 2013 भी 6 नंबर है, शुक्र का नंबर है, अ गुड नंबर फॉर प्रियंका। वेल, लगता है प्रियंका 2013 में करेंगी रॉक। वैसे 2012 में कैटरीना ने भी कई हिट फिल्म्स दी हैं, तो क्या 2013 भी उनके लिए होगा खास? 2012 आई हैड प्रेडिक्टेड अ गुड ईयर फॉर कैटरीना एंड शी विल कंटिन्यू टू रॉक इन हर 29th ईयर, बिकॉज टिल हर बर्थडे शी विल बी इन हर 29th ईयर। 29 इज नंबर 2, कैंसर रोलर, कर्क राशि का स्वामी, नंबर 2 मून या चंद्रमा होता है, एंड नंबर 2 इज अ क्रिएटिव प्लैनेट, बहुत सारे सुपरस्टार्स को नंबर 2 गवर्न करता है, मून के ऊपर इतने सारे गाने भी पिक्चर किए गए, माइकल जैक्सन वर्ल्ड के सबसे बड़े सुपरस्टार नंबर 2 के थे, और मून वॉक गाना ने उन्हें ऑफ कोर्स सक्सेस दिलाया। मून की बात करें तो इट्स ड्रीमी एंड रोमांटिक प्लैनेट, तो शी इज इन अ 29th ईयर व्हिच एड्स अप टू अ नंबर 2, शी शैल रॉक। वेल, कैटरीना के लिए भी ये साल रहेगा काफी खास। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे न्यूमरोलॉजिस्ट से जानते हैं कि क्या करीना कपूर अपने नंबर 1 पोजीशन को रखेंगी कायम। करीना कपूर इज अ नंबर 3 एंड हर नेम एड्स अप टू नंबर 3 एंड सत्यग्रह एड्स अप टू 21 और नंबर 3। 21 का मीनिंग सिग्निफिकेंस न्यूमरोलॉजी में होता है सक्सेस आफ्टर अपहिल बैटल, तो यस, थोड़ा अपहिल बैटल रहेगा सत्यग्रह में, एंड रिजल्ट में बॉक्स ऑफिस में कमा लेगी, जस्ट लाइक हीरोइन स्टार्टेड ऑफ लिटिल स्लोली बट बॉक्स ऑफिस में इट वॉज अ मॉडरेट सक्सेस, तो सत्यग्रह से आई कैन एक्सपेक्ट अ मॉडरेट सक्सेस। लगता है बेबो को इस साल सक्सेस पाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। ऑल इन ऑल बॉलीवुड के लिए 2013 होने वाला है काफी खास, और हम आशा करेंगे कि ये पॉजिटिव प्रिडिक्शन साबित हो 100% ट्रू। इलिका श्रीवास्तव, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे स्नैपशॉट्स ऑफ 2012। We caught them, we clicked them, and we brought all the snapshots for you. Hamare year-end special segment, Hottest Snapshots of 2012 mein. अपना फाइनल लीप, और इस साल बॉलीवुड में हुए ऐसे कई इंसिडेंट्स जिसे हमने किया अपने शटरबग में कैप्चर। शुरुआत करते हैं साल के सबसे इंटरेस्टिंग नजारे से, जब दो बड़े राइवल्स आए आमने सामने, जब बॉलीवुड के दबंग खान का हुआ सामना बॉलीवुड के किंग खान के साथ, और जूम पर ये अनोखा नजारा हुआ एक्सक्लूसिवली कैप्चर। एसआर के पहुंचे YRF स्टूडियो आफ्टर यश जी'स डिमाइस, और वहीं पहुंचे सलमान खान, और वहां से निकलते वक्त सलमान का हुआ सामना SRK से। सलमान ने वैसे तो किंग खान को इग्नोर किया और आगे निकल गए, पर SRK की निगाहें सलमान पर जरूर पड़ी, और ऐसा नजारा शायद ही अब फिर से देखने को हमें मिले।
चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आई कैचिंग विजुअल की ओर, जहां फिर से एक्सक्लूसिवली कैप्चर हुए सलमान और कैटरीना कैफ एट एकता टाइगर स्क्रीनिंग। वैसे सलमान कैट्स एक साथ तो कई बार स्पॉट किए गए हैं, बट दिस टाइम इट वॉज क्वाइट एन अनयूजुअल नजारा। कैटरीना को सलमान ने किया हग एज शी वॉज वेरी टायर्ड एट दैट मोमेंट, और इसी खास विजुअल को जूम के कैमरा में कैप्चर किया गया। अब जब बात कैटरीना कैफ की आ ही गई है, तो टाइगर खान को छोड़कर कैट्स ने बदला अपना डेस्टिनेशन और मूव ऑन हो गई रणबीर कपूर के साथ। कैटरीना और रणबीर की इस खास मुलाकात को क्लिक किया गया एक अवार्ड फंक्शन में, जहां इन दोनों ने एक दूसरे को देखा, बट जैसे ही दे गॉट द हिंट दैट मीडिया इज अराउंड, दे अवॉइडेड चैटिंग विद ईच अदर एंड प्रेफर्ड कंटिन्यूइंग विद देयर चैट सेपरेटली इन प्राइवेट। वैसे रणबीर यहाँ एक जगह कैटरीना के साथ स्पॉट किए गए, तो वही दूसरी जगह अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ भी नजर आए। दीपिका पहुंची थी गैंग्स ऑफ वासीपुर के स्क्रीनिंग पर, जहां शी वाज सीन हगिंग रणबीर कपूर, बट दैट वाज अ फ्रेंडली हग फॉर श्योर। इसके अलावा दीपिका आल्सो अटेंडेड आरके's बर्थडे बैश, और तो और इस बैश में कैटरीना भी मीडिया से छिपते छिपाते यहां आरके से मिलने चली आईं। चलिए बढ़ चलते हैं प्रियंका चोपड़ा की ओर, जो इस साल कैंप्स बदलती नजर आईं। साल की शुरुआत में तो वो अपने बड़ी एसआरके के साथ नजर आईं देर रात के 3 बजे तक एट एसआरके's ऑफिस। पर साल के अंत आते आते वो स्पॉट की गई सलमान के साथ एट गैलेक्सी अपार्टमेंट। प्रियंका ने एक ही साल में एसआरके कैंप से सलमान कैंप में जंप मारकर बज जरूर क्रिएट कर दी है, और इस एक्सक्लूसिव मोमेंट को हमने कैप्चर भी कर लिया। मूविंग ऑन, नेक्स्ट कैंडिड मोमेंट हुआ तब कैप्चर जब आमना सामना हुआ सलमान की एक्स और सलमान की प्रेजेंट, और शुड वी से क्लोज फ्रेंड का, जब सामना हुआ एश और कैटरीना कैफ का। ये दोनों आमने सामने आए जब तक है जहाँ के ग्रैंड प्रीमियर पर। फिर आए एसआरके एंड दिस टाइम ही वाज कैप्चर्ड लेट नाइट विद अनुष्का शर्मा एट अ नाइट आउट क्लब। पर जब इस बात पर हमने अनुष्का से बात करने की कोशिश की, उन्होंने हाय करते ही बाय भी कर दिया। अनुष्का, हाय, बाय। वैसे इस साल करण जौहर के ग्रैंड बर्थडे बैश पर वी स्पॉटेड एन अमेजिंग थिंग। फर्स्टली प्रियंकाज एंट्री एट केजेओ'स बैश, क्योंकि एसआरके और प्रियंका के अलेजेड अफेयर के चर्चे को लेकर करण वॉज अपसेट विद पीसी एंड डिड हैव अ फॉल आउट विद हर। पर अपने जन्मदिन पर करण ने ये इश्यू सॉर्ट जरूर कर दिया, और प्रियंका का ये गेस्ट अपियरेंस साल के बेस्ट स्नैपशॉट का हिस्सा जरूर बन गया। नजारा तो तब भी शॉकिंग था जब बॉलीवुड की दो कैट्स करीना और प्रियंका एक साथ कॉट एंड क्लिक्ड हुए ऑन द सेट्स ऑफ हीरोइन। वैसे इन दोनों के बीच की कैट फाइट्स हमेशा से बज क्रिएट करती आ रही हैं, पर बेबो पीसी का ये फ्रेंडली जेस्टर देखकर हम भी हैरान हो गए एंड गॉट द हिंट दैट ऑल इज वेल बिटवीन दीज कैट्स। वहीं बात करें मस्ती की, तो अनुष्का शर्मा को स्टिक से मारते नजर आए रणबीर कपूर। While he was doing an interview with Zoom, and this did stun us as well as the actress herself. Security! But that was a bratty act by RK. तो कुछ यूं इस साल ऐसे कई controversial as well as candid और मस्ती भरे moments हमने किए capture, which became the best snapshots of 2012. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। यह 2012 में काफी नए फेसेस बॉलीवुड को मिले, काफी नए हीरोज और हीरोइंस का डेब्यू हुआ, तो इनमें से कौन थे सबसे ज्यादा हॉट, देखिए हॉटेस्ट न्यू फेसेस ऑफ 2012 में। स
साल 2012 में कई न्यू फेसेस ने अपना चार्म और अपनी परफॉर्मेंसेस से कई दिलों में खास जगह बनाई. Some might vanish in the coming years and some might stay. Well, time will tell further. For the year 2012, there is a long list of the newcomers who charmed the silver screens with their acts. Let's start with director and producer Karan Johar ki much-awaited film Student of the Year. Student of the Year mein Karan ne na sirf kaafi waqt ke baad direction ki kamaan sambhali, balki teen talented newcomers ko launch bhi kiya. Karan Johar gave a big launch pad to some young talented names, namely Alia Bhatt, Varun Dhawan and Siddharth Malhotra. All three of them came from a well-known background and looked good on screen. आलिया, वरुण और सिद्धार्थ के बाद लेट्स मूव ऑन टू द ब्रिटिश मॉडल एमी जैक्सन. एक दीवाना था से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली एमी को उनकी एक्टिंग के लिए कुछ खास एक्लेड्स तो नहीं मिले, लेकिन हाँ, फिल्म के लीड एक्टर प्रतीक बब्बर के साथ लिंकअप की खबरों की वजह से एमी ने काफी हेडलाइंस बनाए. द एक्ट्रेस हैज गॉट नो ऑफर्स फ्रॉम बॉलीवुड बट विल बी सीन इन साउथ फ्लिक्स वंस अगेन. फिरंगी ब्यूटी एमी के बाद अब बात करते हैं देसी धमाका हुमा कुरैशी की. अनुराग काश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वसेपुर से पहले शायद ही हुमा को कोई जानता था, लेकिन इस फिल्म में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने के बाद हुमा आज कई डायरेक्टर्स की फेवरेट बन गई है. गैंग्स ऑफ वसेपुर 2 के बाद हुमा ने कुणाल कपूर के साथ एक फिल्म लव शब्द चिकन खुराना भी की, जिसके लिए क्रिटिक्स ने उन्हें काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया. Turning on the page, it's Ishak Zade star Arjun Kapoor. Bollywood mein entry se pehle Arjun was too fat, but Salman Khan ki guidance aur glamour ke charm ke saath Arjun ne entry li Yash Raj ki film Ishak Zade se. Son of renowned producer Boni Kapoor, Arjun has proved his mettle with his debut flick opposite Pariniti Chopra. Aur ab Arjun ke paas hai kai badi filmein, namely Gunde, Aurangzeb and Kejo's untitled venture, which are all slated to hit the screen in the coming years. Moving on, the subject like sperm donation couldn't have been better treated by any other star than Ayushman Khurrana. Vijay turned anchor and finally an actor. Ayushman ki performance ne na sirf producers mein John Abraham ka kad badha diya, balki industry ne bhi Ayushman ko haathon haath liya. This sperm donor is in demand and has bagged two offers, namely Hamara Bajaj and Nautanki Sala. Ayushman Khurrana's co-star in the flick Vicky Donor, Yami Gautam too has gained immense popularity as an independent working woman. Small screen se bade parde par Yami ki entry rahi chauka dene wali. The beautiful lady has become a favorite of many filmmakers and will be seen in John Abraham's another production opposite Ayushman once again. Also, Yami will work with Ali Zafar in Aman Ki Aasha. हॉटेस्ट न्यू फेस की लिस्ट में शामिल है गॉर्जियस ईशा गुप्ता का नाम भी. जन्नत 2 और राज 3D विद इमरान हाशमी गेव द लेडी अ ब्रिलियंट स्टार, एंड लेटर विद प्रकाश झा's चक्रव्यूह द एक्ट्रेस हैज हिट अ हैट्रिक. विशेष फिल्म्स हैज अगेन ड्रॉप्ड इन ईशा फॉर देयर अनटाइटल्ड प्रोडक्शन. व्हाट मोर कुड शी एक्सपेक्ट फॉर. Adding to the number of new faces, Dina Penty ne apne innocent look se bhi sabhi ko kaafi impress kiya. Yahi nahi, her charm and moves in Tum Hi Ho Bandhu track gained admiration from all around. Film Cocktail mein senior actress Deepika ki maujoodgi ke bawajood, Dina ne film par apna ek alag hi chhaap choda. From innocent Diana, let's move on to Bengali beauty Iliana D'Cruz. बर्फी साल 2012 की मोस्ट अवेटेड फिल्म्स में से एक थी. इस बात में कोई शक नहीं कि इस फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल में प्रियंका और रणबीर नजर आए, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इलियाना ने अपनी दमदार परफॉर्मेंस से स्क्रीन पर अपनी अलग ही जगह बनाई. बर्फी के बाद अब 2013 में ये बंगाली ब्यूटी नजर आएंगी ऑपोजिट शाहिद कपूर इन फटा पोस्टर निकला हीरो. With so much of promising talent coming up this year, we just hope for them to stay in Tinsel Town for very long. At last, I wish you a very, very happy and prosperous new year. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's number one Bollywood channel.